साधुक्तम मंगलम बंदी संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्टि अर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम ओम नमः। प्रत्येक कार्य समय पर करें, समय से उठें। देर से उठना बड़ा अपराध है। देर से अगर उठेंगे तो हमारे सारे कार्य देर से होंगे और हमें अपने लिए ही समय नहीं मिलेगा, बाद बाकी तो करना ही पड़ेगा। भगवत करके छोड़ो, हर कार्य में आकुलता होगी, टेंशन होगा। हर कार्य समय पर करें, समय पर उठें, समय पर दर्शन पूजन स्वाध्याय करें, समय पर दान करें, सत्कर्माण दिने दिने, समय पर भोजन करें, समय पर व्यापार करें। हर समय व्यापार नहीं, व्यापार के समय व्यापार, बैठे यहां और व्यापार की बात कर रहे नहीं भैया, व्यापार दुकान पर। लेकिन हर समय करने योग्य कार्य है वेद विज्ञान। हर कार्य समय पर करें, लेकिन वेद विज्ञान हर समय रखें। करें नहीं, रखें। क्या वेद ज्ञान? जहां खड़े हैं वहीं वेद ज्ञान। अपन जागृत हुए, वेद ज्ञान करो। ये जागृति वास्तव में मेरी जागृति तो है नहीं। अभी भाव निद्रा टले, मोह राग द्वेष का भाव हो, तब मेरा जागना सफल है। बुलचंद जी ने लिखा है, या भवन की माँ ये जीव अनाधिकार से सो रहा है। श्री गुरु का उपदेश सुन करके यह जीव जागृत होता है, तब क्या सोचता है, क्या विचारता है, क्या देखता है। अब क्या देखेंगे? अरे मैं चिदानंद नहीं पुण्य पाप, मेरे नहीं है राग भाव, ये सब विडम्बन मेरे न भाव, ये सब विडम्बना कर्म की है, ये मेरे भाव नहीं है। कभी इस बात को मत सोचना, टेंशन अपने आप होता है। हमारे विपरीत विचारों का दुष्परिणाम है। पर के लक्ष्य से होता है, अपने आप नहीं होता। अपने आप तो ज्ञान होता है। कभी मत सोचना अपने आप होता है, दुख तो अपने आप होता है, चिंता तो अपने आप होती है, नहीं भय तो अपने आप लगता है, बिल्कुल नहीं। विपरीत चिंतन के कारण देह को अपना मानते हैं, परिग्रह में मूर्छा है। परिग्रह का मतलब शरीर, शरीर में मूर्छा है तो भय लगता है। ज्ञानी कैसे विचारते, हमको अब कुछ भय ना नहीं। तद भी कुतो ज्ञान न हो, हाँ निशंक सत्यम स्वयं सब, निशंक सत्यम स्वयं सब क्या है? अरे ज्ञानम तो हम ही बोल रहे, जो बीच का खा गए। क्या बोल रहे बोलो?
पूरी लाइन बोलो। बोई से बोई खाया दे और बोल दे दी क्या नाम सुना। अरे तो वो तो हम ही बोल रहे भाई, उसमें क्या, चलो कोई बात नहीं। जो अपने को निरंतर ज्ञान स्वरूप अनुभवता है उसे ये भय कहां से हो सकते हैं। तद भी कुतो ज्ञान लो, जो अपने को वेदन करता है, विंदति निसंकय सत्यम स्वयं सब विंदत वेदति, जो अपने को निरंतर वेदन करता है, वेदन माने समझते हो, वेद वेदक भाव अभेद होता है, वेदन में स्वादन है, आनंद है, जानना पढ़ करके जानने में वेदन नहीं है, सुन करके जानने में वेदन नहीं है, विचार करके जानने में वेदन नहीं है। एक दृष्टांत देकर समझाया था, मिश्री पढ़ करके जानी मीठी है, मुंह थोड़ी मीठा हो गया, सुन करके जानी मीठी मुंह थोड़ी मीठा, तर्क वितर्क करके जान लिया मिश्री मीठी है तो मिश्री का वेदन थोड़े, जब गूंगा भी क्यों न हो, अंधा भी क्यों न हो, अगर मिश्री खाएगा तो वेदन मिठास का है। जहां आनंद हो गए वहां ज्ञान वेदन वेदन रूप है, वेद वेदक भाव से आस्वाद रूप आनंद आ रहा हो, उसको भय कहां से आएगा। जो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभवता है, ज्ञान स्वरूप अनुभवने का मतलब क्या है, मैं ज्ञान स्वरूप ही था, ज्ञान स्वरूप ही हूं, ज्ञान स्वरूप ही रहूंगा, ये लोग का भय, कहीं मेरी आजीविका बिगड़ गई तो, कहीं किन से कुछ कह दिया तो, कहीं कुछ हो गया तो, अरे ज्ञान स्वरूप आत्मा में, ज्ञान घन आत्मा में कुछ होता ही नहीं है। सारी घटनाएं होते हुए भी ज्ञान मात्र आत्मा ज्ञान मात्र ही रहता है, उसमें प्रवेश नहीं होता। कहीं कुछ हो गया तो, ये तो बच्चों जैसी बातें हैं, अरे तुम्हारे कान कौआ ले गया, अरे कौआ कान ऐसी चीज नहीं है जो कौआ ले जाएगा, दृष्टांत तुमने सुना है, वो सीट के पास रख गया पड़ोसी, हम यात्रा को जा रहे हैं, हमारी लोहे की तराजू है भारी सी, इसको रख लो, लौट करके ले लेंगे। लौट करके आया सेठ जी, हमारी तराजू, ए भैया वो तो चूहा कुतर गए, चूहा खा गए, चूहा ले गए, कोई बात नहीं, ले गए तो ले गए, इसमें आपका क्या दोष है, ले गए तो ले गए, ठीक है। थोड़े दिन बाद आया सेठ जी, इस लड़के को आप हमारे साथ भेज दो, हम गंगा स्नान को जा रहे हैं। बोले ठीक है, लड़के को ले जाकर के अपने घर पर कमरे में बंद कर दिया। रोता हुआ आया सेठ जी, कौआ को चील ले गई, वो लड़के को चील उठा ले गई, लड़के को चील ले जा सकती है, जब चूहा लोहे की तराजू को कुतर सकती हैं, ले जा सकती हैं, तो लड़के को चील क्यों नहीं ले सकती, चुपचाप तराजू दे दे, अपन लड़का ले दे, काम खत्म हो गया। मतलब लोहे की तराजू कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको चूहा ले जाए, ऐसे ये ज्ञान घन आत्मा ऐसा नहीं है जिसमें जिसकी आजीविका बिगड़ जाए। आजीविका जानते हो, रोज कमाओ रोज खाओ,
निरंतर ज्ञान रूप अनुभवन करो और आनंदित रहो, इससे बड़ी आजीव का क्या है। निरंतर ज्ञान रूप अनुभवन करो और आनंद रूप रहो, कोई कमी नहीं अनंत काल तक। तुम्हारी पांच से अभी फोटो खींची, यहां तुम्हारी में क्या कमी है। ऐसी ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभवन करते जाओ। ज्ञान स्वरूप आत्मा में नाश की बात नहीं, ह्रास नहीं होता, कुछ हानि नहीं होती। तो भी ज्ञान स्वरूप आत्मा ज्ञान स्वरूप ही रहता है। अब इस लोक का भय कहां से होगा, परलोक का भय कहां से। कहीं मैं नारकी हो गया तो, नरक में चला गया तो, कहीं त्रियंच में चला गया तो फिर कैसे दुख सहन करेंगे। भैया आत्मा नारकी होता ही नहीं, आत्मा त्रियंच होता ही नहीं। नारकी कौन होता है, जो आत्मा को भूल करके बहुआरंभ परिग्रह में फंसता है वह नारकी होता है। जो आत्मा को भूल कर बहुआरंभ परिग्रह में फंसता है, आत्मा को जानने वाला तो फंसेगा नहीं, वह नारकी होता है। आत्मा को समझने के लिए आराधना के लिए जो बहाने बनाता है, मायाचारी करता है, हमें शक्ति नहीं है, हमें बुद्धि नहीं है, दान देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, स्वाध्याय करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, मायाचारी है। कहाँ चली गई तुम्हारी शक्तियां, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे लिए भी जो 24 घंटे का दिन होता है सबके लिए होता है, तुम्हारे लिए होता है, तुम्हें समय क्यों नहीं है। तुम्हारा समय विकथा में जा रहा है, विषयों में जा रहा है, व्यसनों में जा रहा है, इसलिए तुम्हें समय की कमी लगती है। भदवा की समय ही समय है। स्थूल रूप से भी देखा जाए, यदि व्यक्ति अनर्थ दंडों की ओर प्रवर्तित न रहे, माने जिनसे कोई इस लोक और परलोक संबंधी प्रयोजन नहीं है, ऐसे कार्यों से ही बच जाए, तो उसके पास समय ही समय है। नारकी हो गए, हो कैसे जाएंगे। रायचंद जी ने मरण के समय में क्या संबोधन किया, भाई का समाज मरण है, यह आत्मा अवश्य उस गति को प्राप्त होगा। उच्च परिणाम से देह छूटेंगे तो निम्न गति कैसे मिलाएगी, लोक में भी स्थूल में भी। जब पूरब की ओर चलोगे तो पश्चिम में कैसे पहुंचोगे, जब दाल में नमक डालोगे तो दाल मीठी कैसे हो जाएगी, सोचो। कहीं हो गया तो अरे हो कैसे जाए, हो सकता ही नहीं। कहीं मर गए तो अरे मर सकते ही नहीं। अज्ञान दशा में अगर कोई खोटी गति का बंध भी हो गया और उस गति में भी गए तो भी आत्मा उस गति रूप तो होगा नहीं, आत्मा तो आत्मा ही रहेगा। जिसको निशंक ये विश्वास है, उसको इस प्रकार के दुर्विकल्प, इस प्रकार का भय नहीं होता। कहीं मैं नारकी हो गया तो, कहीं खोटी गति में पहुंच गया तो। गाड़ी पे बैठ करके यात्रा करते हो आप, रिजर्वेशन के डिब्बे है, रिजर्वेशन की सीट है, रिजर्वेशन का सब काम है, आप भली प्रकार से अपना नंबर मिला करके और बैठ गए, कहीं किसी ने उठा दिया तो उठा कैसे आए। और बैठा तो हूं मैं गाड़ी देख करके दिल्ली की गाड़ी में, और कहीं कलकत्ता पहुंच गया तो कैसे पहुंच जाओ। सोना तो हमारा अच्छा है और कहीं खोटा आभूषण बन गया तो कैसे बन जाएगा।
जब ये सब काम नहीं हो सकते, हिंसा में धर्म नहीं होता, इसके शास्त्र में कितने दृष्टांत दिए असंभव के। जैसी अग्नि कभी शीतल नहीं होती, पानी कभी गर्म नहीं होता, सूर्य पश्चिम में नहीं निकलता, अगर सूर्य पश्चिम में निकलने लगे तो अभी हिंसा में धर्म नहीं होगा, निकलेगा ही नहीं। सूर्य के हम पूरब कहते ही उसे जहां पर सूर्य निकलता है, पूर्व दिशा कहते ही उसे हैं। भक्तांवर में आया, भक्तांवर में सारी दिशाओं में नक्षत्र होते हैं, लेकिन सूर्य तो पूर्व दिशा में निकलता है। अनेकों माताएं पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन तीर्थंकर जैसी बालक को आप जैसी आपकी माता जैसी माता जन्म देती हैं। कैसे हो यार? सिद्ध के विधान में लिखा यो अयोग कारज नहीं हुई। अयोग कार्यों के दृष्टांत दिए उसमें, बिना पैर का पहाड़ पर चलने लगे, गूंगा बोलने लगे, अमुक ऐसा काम करने लगे। अगर ये सब कार्य भी हो जाएं, तो भी ये द्रव्यलिंग के बिना मोक्ष नहीं होता, और भावलिंग के बिना द्रव्य की सार्थकता कहां से होगी? द्रव्य लिंग बिन मोक्ष न होई, भावलिंग बिन कर्म के पार आया ना, भावलिंग के बिना कर्म का नाश नहीं होता। विचार करो, ज्ञानी को भय कहां से हो जाएगा? जब रोग शरीर की सीमा तक रहता है, वो आत्मा में कैसे प्रविष्ट हो गया? कहीं बीमार हो गए तो एक बार महामारी फैल गई। पुरानी बात है, जब स्वतंत्रता संग्राम चलते थे उस समय की बात है। महामारी फैली, नेता लोग अपने सेवा में और लग गए। एक बड़ा नेता था, क्या नाम था ध्यान नहीं हमें, वो सेवा कर रहा रोगियों की। उसके कार्यकर्ता बोले, आप स्वयं सेवा मत करो, कहीं आप बीमार हो गए तो आफत हो, हम लोगों को बताती रहो, इतना ही बहुत है, आप स्वयं रोगियों के बीच में मत जाओ, रोगियों की सेवा मत करो, आपको रोग लग गया तो हम क्या करेंगे, आपको कहां मिलेंगे, आप कहां मिलेंगे हमें। मालूम है नेताजी क्या बोले? नाम के नेता नहीं थे, बोले भैया हमारी सेवा भावना इतनी पवित्र है, इतनी अग्नि तेज है, प्रचंड है, कि वहां तक आकर के रोग के कीटाणु भस्म हो जाएंगे, हम बीमार नहीं पड़ सकते। रोगियों की सेवा नहीं करता है जो रोगियों से घृणा नहीं करता है, वो बीमार भले पड़े उस कर्म के उदय से। जो रोगियों की रोग को भिन्न जान रहा है, रोगियों की सेवा कर रहा है, उसका पवित्र परिणाम है, पुण्य से बीमार पड़ सही, बीमार पाप से पड़ेंगे। बहुत बदबू आ रही, वो बीमार पड़ेंगे जो रोगियों से घृणा करेंगे, रोगियों से की उपेक्षा करेंगे, रोगियों की हंसी उड़ाएंगे, कुपथ सेवन करेंगे, पाप करेंगे, अपनी इच्छाओं की और रसना इंद्रियों की पूर्ति करते रहेंगे, वे बीमार पड़ेंगे, हम क्यों बीमार पड़े? ये तो जैन शास्त्र है। कबीर ने लिखा, राम मरे तो मैं मरूं, मेरी मरे बला है, हम क्यों मरे? जब राम नहीं मरता तो हम क्यों मरे? राम मरे तो मैं मरूं, मेरी मरे बला है, अविनाशी की गोद में मारो मरो न जाए। जब अनादि अनंत स्वरूप है तो वहां मरने का कोई प्रश्न ही नहीं। अरे मर सकते ही नहीं है, इस बात को विश्व निशंक
मार सकते ही नहीं है। ये अधिवसान मिथ्या है, माने ये मान्यता मिथ्या है, ये विकल्प मिथ्या है। तुम्हें मार देंगे, अरे क्या मारेगा तू, मार सकता ही नहीं है। परिणति बदलती है, द्रव्य का नाश नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य में अस्तित्व नाम का गुण है, अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं जग में मरे, न मरा न मर रहा है और न मरेगा। मरे अनंत बार बिन समझे, अब सब दुख बिसरेंगे, अब हम अमर भय न मरेंगे। ये कोई प्रवचन और भाषण थोड़े ही है, ये तो अनुभूत मार्ग की चर्चा की है ज्ञानियों ने बड़ी करुणा भाव से, कि तुम्हें समझना हो तो समझ ले भैया, बात तो ये है, नहीं समझना हो तुम्हारी तुम जानो, हमें क्या लेना है। यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूं, कैसे यूं क्यों, यों के पीछे प्रश्न है क्यों। जड़ कर्म घुमाता है मुझको यह मिथ्या भ्रांत रही मेरी, मैं राग और द्वेष किया करता जब परिणति होती जड़ केरी, यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया। ज्ञानियों को भय क्यों नहीं होता, वो तो डर अपने आप लगता है, डर लगता है। अरे अपने आप नहीं लगता, तुम विपरीत सोचते हो, कहीं मर गए तो इसलिए डर लगता है, कहीं बीमार हो गए तो इसलिए डर लगता है, कहीं कोई कुछ कह दे तो अरे काहे को कह देगा। प्रायः लोग कहते हैं हमसे सब आदमी धीरे बोले और हम जोर से बोले, ये कैसे हो सकता है। अगर धीरे बोलना है, धीरे सुनने की, तो धीरे सुनने की आदत भी तो डालो। धीरे से कोई बात कहे तो तुम पागल समझोगे, और जोर से कहे तो कसाय समझोगे, तो जी बताओ समझोगे कैसे। धीरे सुनोगे नहीं और जोर से बोलोगे, भाई बहुत हमसे जोर से बोलते हैं, क्यों बोलेगा जोर से जब तुम धीरे ही सुन लोगे। मतलब समझ गए क्या, भूल अपनी है, भूल उसकी नहीं है, वो जोर से बोल रहा है, तुमने धीरे सुनते क्यों नहीं हो। देखो सबके सामने हमसे डांट दो और ऐसा करो तो अच्छा है, तुम प्यार से समझा दो अकेले तो समझ तो जाओ, समझते तो नहीं। हे रुचवंत पचार कहें गुर, तू अपनो बद पूजत नाही, खोज ये न चेतन लक्षण, कर्म के फंद अरुजत नाही। अरे तुम कहां फंसे हो, पुचकार करके कह रहे हैं आओ यहां आओ यहां आओ, तुम्हारा पद हम तुम्हें बता रहे हैं, अब तुम नहीं आओ तो फिर हम कहेंगे ही बड़ा ढीठ है, दुष्ट है, ये संसार भय से तीर रंग का डरी नहीं डरता है, बड़ा सुबट है। हे आप हमसे सुबट कह रहे, हमसे ढीठ कह रहे, हमसे पशु कह रहे हो, तो अब क्या करें, तुम भगवान कहते हैं तो सुनते नहीं हो। हम तुमसे भगवान कह रहे तो तुम अभिमान में फूल जाते हो, हम भगवान हो गई है। अरे भगवान हो इसका मतलब है जो भगवान करते हैं सोई करो, और जो भगवान नहीं करते सो मत करो। भगवान किसी को जानने जाते हैं तो तुम क्यों जाते हो, और भगवान के ज्ञान में जो आते हैं उनमें राग द्वेष करते हैं नहीं करते तो तुम क्यों करते हो। भगवान सुख के लिए पर की ओर देखते हैं, जब भगवान नहीं देखते तुम क्यों देखते, तुम भगवान हो, तुम कैसे भगवान हो,
कभी कभी लोग कह रहे तुम कैसे ज्ञानी हो, रात में भोजन कर रहे, कैसे ज्ञानी हो। हमारे पड़ोस में तो जैन रहते थे, कभी हमने नहीं देखा। विचार करो, तुम कैसे भगवान हो जो पर की ओर देखते हो और जो देखने में आता है उसे राग द्वेष करते हो, उसे अपना मानते हो, अच्छा बुरा मानते हो, सुख के लिए देख रहे दूसरे की ओर, कोलू के बैल की तरह लगे हो, तुम कैसे भगवान। खुश हो जाते और नहीं कही तो हमसे बोले ही नहीं, बता जो कोई बात रही, तुम कैसे भगवान हो भाई, सोचो। भगवान तो किसी पदार्थ से किसी से अपेक्षा नहीं रखते, तुम अपेक्षा क्यों रखते हो, निरपेक्ष है, निरपेक्ष बांधव। तो तुम सापेक्षा, तुम अपेक्षा क्यों रख रहे हो, ढेर सारी अपेक्षाएं हैं। ये लड़का बड़ा हो जाएगा तो हमारी सेवा करेगा, अरे बड़ा हो जाएगा सेवा करेगा, तू भगवान की सेवा कर ले। हमने बुजुर्गों को कहते हुए सुना है किसी से सेवा नहीं करानी पड़े, बड़ी अच्छी मौत भाई, कब से एक गिलास पानी नहीं लो। उस मौत को अच्छी मौत मानते हैं जिसे एक गिलास जिसने पानी नहीं मांगा और खूब सेवा ही कराते रहे, उसके बाद देह छूटी, जब लोग प्रतीक्षा करने लगे कि कम, तो ऐसी मौत को क्या मौत कहें, अच्छी मौत कहेंगे। अरे रोग सैया पर कितने समय पड़े रहे, संक्लेशता न हो गए, जागे नहीं कसाए नहीं वेदना सताए, परिवार मित्र से मैं मोह को हटाऊं, दिन रात मेरे स्वामी। तुम सोचे ये लड़का बड़ा हो जाए तो सेवा करेगा, और ये बिल्कुल ऐसी अनुचित सोचते हो, तुम अपने पिताजी की सेवा कर नहीं रहे हो, जी लड़का तुम्हारी सेवा करेगा, सेवा की संस्कार तो दे नहीं रहे उसके, उसको वो खड़ा रहे हो तुम बैरिया पिताजी के पैर दाबने, तो छो तो कर नहीं रहे, जी लड़का सेवा करेगा, कैसे करेगा बिना संस्कार के। अरे जिनवाणी से जुड़े होंगे जो बच्चे, वे अपने गुरुजनों की सेवा कर पाएंगे, समाधि कर पाएंगे, क्योंकि उनकी कथाएं मंद रहेंगी। जो जिनवाणी से दूर रहेंगे सेवा भी नहीं कर पाएंगे तुम्हारी, क्यों, उनकी कथाएं तीव्र हैं और तीव्र कथाओं में सेवा का भाव नहीं होता, और सेवा के नाम पर उपसर्ग करेंगे। तुम कहोगे बेटा आज चौदस है, आज हमारा त्याग है, आज रहने दे, हाउ हो गई चौदस, दवाई नहीं खाओगे तो क्या होगा, फिर कहा कि चौदस होगी जब देह छूट जाएगी। अरे देह छूट जाएगी तो चौदस क्यों नहीं मिट जाएगी, देह छूटने पर भी देह छूटी हुई भाषित होगी, तभी तो चौदस बनेगी। खाली हरी छोड़ने से चौदस थोड़ी हो जाएगी, खाली उपवास करने से चौदस थोड़ी हो जाएगी, रोटी नहीं खाने से, आज रोटी नहीं खाई, अरे रोटी नहीं खाई बड़ी अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे, खाया क्या जी बताओ, आज तुमने क्या खाया, है कुछ नहीं, झूठ, बिल्कुल झूठ, गलत बोलते हो। अरे हमने दुकाए के छिपाए के थोड़ी खाया, कि हम कब कह रहे, तुमने खाया क्या सही बताओ, आज कुछ नहीं लिया, पानी तक नहीं लिया, अरे भगवान का नाम लिया कि नहीं ये बता, पानी न लेने से क्या हो गया, का धर्म हो जाएगा। भगवान का नाम लिया कि नहीं, चैतन्य का स्मरण किया कि नहीं, अपने कर्तव्य को याद किया कि नहीं,
भेद ज्ञान किया के नहीं, समता की न कि नहीं, ये पूछ रहे थे। बोर्ड बनवाने 14 के तो कुछ लिखवा दें, हैं वो देखे आए होंगे हम इनमें, वो भोपाल वाले लाए थे तो लिखा था उस पर आराधना दिवस हैं, आज 14 है, स्वाध्याय करेंगे, सामायिक करेंगे, ध्यान करेंगे। हम बोले हम कुछ लिखवा दें, हम लिखवा लें बोर्ड में। अरे लिखवा लो, लिखवाने के लिए मने थोड़े ही है, लेकिन यहाँ लिख लो कल 14 है, खूब भेद ज्ञान करेंगे, खूब समता का अभ्यास करेंगे, कल अष्टमी है उसके साथ में रखे, किसी से कसाय नहीं करेंगे। आज अष्टमी है, ज्ञाता रहेंगे, आज चतुर्दशी है, 14 गुणस्थान से पार देखेंगे अपने, आत्मा के भी गुणस्थान नहीं है शुद्ध नए से, और सिद्ध भगवान के भी गुणस्थान नहीं है किसी नए से, सिद्ध भगवान के गुणस्थान किसी नए से नहीं है, और आत्मा के गुणस्थान शुद्ध नए से नहीं, सभ्य शुद्धा शुद्ध नया। क्यों सोचते हो, कोई भी कार्य तुम्हारे बिना परिणामों के तुम्हारा कार्य होगा। एक बात कही थी पहले, अपने कार्य अपने पुरुषार्थ के बिना होगा नहीं, कितना ही पुण्य का हो जाए वो, और पर में अपना पुरुषार्थ चलेगा नहीं। इस अचेतन घर में, इस परिवार में, इस व्यापार में, इस व्यवहार में, इस शरीर में तुम्हारा विकल्प नहीं चलेगा, तुम्हारा पुरुषार्थ भी नहीं चलेगा, और तुम्हारा कार्य पुरुषार्थ के बिना होगा नहीं। किसको मोक्ष मार्ग होता है? मोक्ष मार्ग कोई औदयिक भाव नहीं है जो कर्म के उदय में हो जाए। जो जीव जिनेश्वर के उपदेश अनुसार पुरुषार्थ करते हैं उनको मोक्ष मार्ग होता ही है। जो जी काला गोरा नीला पीला हरा और ये कुछ नहीं, जो जी जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करता है, अर्थ बोलो। अरे इतना तो अर्थ आ जाना चाहिए। अब जो जी देह से भिन्न अपने को आत्मा देखता है, जो जीव अपने को अनादि अनंत देखता है, जो जीव स्वयं सिद्ध देखता है, स्वयं सुख स्वरूप देखता है अपने को, उसको मोक्ष मार्ग होता ही है। और जो अपने को देह रूप देखता है, हजारों पूजाएं करे, हजारों शास्त्र पढ़े, हजारों वंदना तीर्थ यात्रा करे, खूब दान करे, नहीं होता उसको मोक्ष, नहीं ही होता। हम 5 लाख दान करें तो नहीं होगा। अरे तू 50 लाख करे, 5 करोड़ करे, देह से बिना आत्मा को समझे बिना मोक्ष नहीं होगा। नहीं होगा। हम रोज 4 घंटे पूजा करें तो क्या करो, देह से बिना आत्मा को समझे बिना मोक्ष मार्ग नहीं होगा। सम्यक दर्शन ही नहीं होगा, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ ही नहीं होगा। कुछ क्रियाएं बढ़ जाएंगी, तुम कह रहे हम बढ़ गए, अब तो हम बहुत करने लगे। अरे करने लगे, जानने वाले बनो पहले, करने वाले करने का अहंकार छोड़ो। करे कर्म सो ही करतारा, जो जाने सो जानन हारा, जाने सो करता नहीं होई, करता सो जाने नहीं, ज्ञाता नहीं कोई, बुझानता ही नहीं है मैं ज्ञाता स्वरूप हूं, करता नहीं। वस्तु का स्वरूप परम गुप्ती है, गुप्त स्थान है, वहां किसी कर्म का प्रवेश नहीं। हमारे पास कोई गुप्त स्थान नहीं, खुला पड़ा है घर, अब डर रहे कोई घुस आया तो
अरे कोई घोषार कैसी बातें कर रहे हो, तेरे स्वरूप में पर का प्रवेश नहीं है, घुस सकता ही नहीं है। कुछ ले गया तो अरे मेरे अनंत गुण मेरे साथ अभिन्न है, वो ले जा सकता ही नहीं, कैसे ले जाए। ये परमार्थ की कथन है, व्यवहार का कथन बोलो। अरे पुण्य उदय की सामग्री हमारी तुम नहीं ले सकते, हमारी पुण्य उदय की सामग्री भी नहीं ले सकते, स्वरूप की बात नहीं कर रहे हम, अभी व्यवहार नए की बात कर रहे। हमने देखा है कभी कभी कोई विवाद के प्रसंग बन जाए तो बड़े आराम से कहते ठीक है भाई ले जाओ, ले लो तुम ही ले लो, हमारा भाग थोड़ी ले लो। ले जाओ कोई बात नहीं, हमारा भाग्य थोड़ी ले जाओ। कपड़े सूखने पड़े थे और बंदर आया ले गया, और जी आए सो नया ले आए। तुम्हें पता ही नहीं पड़ी गई जी नव कैसे, अरे वो बंदर ले गया था जरा फट गया था तो हम नया ले आए, दो करके भी डाल दिया उसने। पुण्य उदय की सामग्री तुम्हारी नहीं ले जा सकते, लेकिन इस बात को ध्यान रखो सामग्री पर नजर क्यों है तुम्हारी, तुम्हारी नजर देव सास गुरु पर क्यों नहीं है। तुम्हारा चश्मा हम ले जाएंगे, ले जाओ, दृष्टि थोड़ी ले जाओगे, सरधन थोड़ी ले जाओगे, चश्मे से दिखता है वो हम है नहीं, और जो हम हैं वो चश्मे से दिखता नहीं। ले लेकिन सामग्री भी पुण्य के उदय की तुम्हारी तुम्हारे पास रहेगी, कोई ले जा सकता नहीं। सबसे उत्कृष्ट दृष्टांत है तीर्थंकर ने जब दीक्षा ग्रहण करी तब एक धागा भी नहीं रखा, बोलो रखा कोई, और जब केवल ज्ञान हो गया तो समोसरण का वैभव रच गया, और ऐसे उठे और ऊपर जाकर के विराजमान हो गए समोसरण में। बताओ रामचंद्र जी कहां सोए थे, पेड़ के नीचे, चलो ये नहीं रहने देती, चलो अपन पेड़ के नीचे बैठे, और वहां का ये अच्छे देख रहा है, ये तो बलभद्र नारायण आ गए, चलो भाई रामपुरी की रचना हो गई, सभी महल में सो रहे उठे। ये बातें अगर तुम्हें झूठी लगती हैं तो पढ़ते काय को, फिर काय को अर्घ चढ़ाते हो, फिर तुम्हारी पूजा झूठी हो गई, और सच्ची लगती हैं तो फिर विश्वास क्यों नहीं करते, विचार करो। हर कार्य समय पर करो, स्वाध्याय समय पर करो, समय पर, समय का भी बहुत महत्व है, लेकिन हर कार्य समय पर भले करो, लेकिन वेद ज्ञान हर समय रखो। ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें नहीं हो, आत्मा में कुछ होता ही नहीं, अकस्मात क्या हो जाएगा। तुमने राजा भोज वाली चर्चा सुनी होगी, राजा भोज बहुत दान करते थे, दानी कहते, उनके कोषाध्यक्ष ने सोचा ऐसे तो खजाना खाली हो जाएगा, अब राजा से कहने की हिम्मत तो है नहीं, कहें कैसे। तो राजा जब निकलते थे उस दीवार पर उसने एक सूक्ति लिख दी, आपत कालाय धनम टच्छे, आपत्ति काल के लिए भी कुछ धन रखना चाहिए, सब खर्च ही कर दे, आपत्ति काल के लिए कुछ धन बचा करके रखना चाहिए। राजा ने देखा अच्छा ठीक, बड़ा
जैसे तुम प्रसन्न हो रहे ऐसे ही राजा भी प्रसन्न हुआ। बेचारे को ये पता नहीं, उसने नीचे एक लाइन लिख दी, धनवंतो कुतय आपदा। धनवान को भी आपदाएं आती गई, आपदाएं तो गरीबों की ही है। उत्तर मिल गया तो लिखने वाले ने सोचा, कोसा देखने, जी तो राजा अब क्या जवाब दें, हम कह रहे आपत्ति काल के लिए धन रखो, ये कहते धनवान को आपत्ति कहां से आई। तब उसने फिर तीसरी लाइन लिखी, देव युग आज समागच्छेद, अगर भाग्य से भाग्य उदय से पूर्व कर्म के उदय से कोई आपत्ति आ जाए तो। राजा ने देखा, अरे ये फिर नीचे फिर लिख दिया, क्या संचितो भी विनश्यते, अगर तुम भाग्य को ही मान रहे हो तो संचित नहीं विनश जाएगा। घर से अपना रुपया पैसा सूट के सब सब लेकर के चले और सूट के चला गया और कुछ लेकर के नहीं चले और आ गए, अरे रात को तो यहीं रुकना है आपको, हम कपड़े कहां लेकर के आए, अरे कपड़ा सब हो जाएंगे, पिताजी की ड्रेस पहन ली तुम धोती दुपट्टा और पूजा करोगे तब तक ये सूख जाएंगे, भोजन तैयार है भोजन कर। जैसे घर पर सोते थे उतनी सामग्री मिलेगी, कम नहीं मिलेगी, वैसा ही बिस्तर मिलेगा, ध्यान रखना, जैसे बस होते आप जी नहीं है, इनके घर पहुंच गए तो चाय जैसा मिल जाएगा, जैसा आपका उदय होगा वैसे ही मिल जाएगा, वही सामग्री मिलेगी। तू विकल्प क्यों करता है, विकल्पों से कार्य थोड़ी होता है, कार्य स्वयं की योग्यता से होता है। झूठी जग मन की जग के सपने सारे, झूठे जग के सपने सारे, झूठी सब मन की खत्म। समाधि कैसे करोगे, कोई हमें सुनाए तब हम समाधि करें, कोई हमें कराए तो हम समाधि करें, अरे कौन कराएगा। हम पढ़ते थे बीए में तो एक मार साहब थे, स्वाध्याय में आते थे तो बोले भैया हमारी समाधि कराना, हमने यार मार साहब कैसी बात करते, समाधि के लिए तो हम चाहे जब चले आएंगे, समाधि की आप ये बात कोई कहने की है, ये तो हमारा कर्तव्य है। बढ़िया, और रात को स्वाध्याय करके गए और सवेरे सुना वे तो चले गए, कौन समाधि करा किसकी करा। ये तो घटनाएं आप देखती हो, जिनके ऊपर निश्चिंत हैं हम निश्चिंतता होना चाहते हैं, वे अपना भार छोड़ करके और चले जा। भाई ऐसी घटनाएं देख करके बैराग नहीं होता, ऐसी जग रीत को न देख भयभीत होत, हा नर मूर तेरी कोने मत हरी है, मानुष जन्म पाए सोबत बिहाय जाए, खोबत करोड़न की एक एक घड़ी। हर समय भेद ज्ञान रखना, जागते रहो, कभी जगा रहे हैं तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करें गुरु तुझे जगावन को। बारह भावना का उपदेश जगाने के लिए है, क्या मतलब हुआ, कुछ चिंतन तो किया करो, कि वैसे ही रिकॉर्ड सुनने की आदत पड़ गई चाय पीने की। ये सब अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, अध्रुव है, इस संसार में एक आत्मा ही ध्रुव है। हमारे लिए आपका आत्मा अध्रुव है, क्यों संयोग है, आपके लिए हमारा आत्मा अध्रुव है, आपके लिए आपका आत्मा ध्रुव है, केवल आप।
अगर तुम्हें विमोहित नहीं होना है तो इन सबको अध्रुव को अध्रुव समझो। हमें इतने दिन हो गए, हमने बनवाया, हमने किया, हमारा इतना अधिकार नहीं है? नहीं है। तुम्हारे परिणामों पर तो तुम्हारा अधिकार नहीं है, कसाय कर रहे हो और इस पर अधिकार जता रहे हो। ऐसे उठ करके चले जाओ, जी मत देखो, जी मत देखो, अधिकार है हमारा। कर्तव्य का पालन करने वाले को अधिकार मिलता है, अधिकार की भावना वाले को धिक्कार मिलता है। पिताजी की जायदाद चाहिए, वो तो तुम्हारा अधिकार है, और पिताजी की सेवा करना कर्तव्य नहीं है? पिताजी की सेवा करना भी तो कर्तव्य है। अरे तुम तो इतने निष्प्रही बन जाओ, सेवा करना हमारा कार्य है, सो हम सेवा करेंगे, संपत्ति जिसको देना हो उसको दे, हमें क्या लेना है? और कोई भी पिता अपने बेटे को उसके उदय से ज्यादा नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। अगर तुम्हें जागना है तो ये चिंतन करो, ये सब अध्रुव है, ये मेरा है, ये चिंतन मत करो। ये सब है तब तक भी अचरण है, हमारा दुख दूर करने में समर्थ नहीं है। एक फूड़ा गरीब आदमी को हो तो वेदना कम होगी, और धनी को हो तो वेदना ज्यादा होगी। धनी को कम होगी और गरीब को ज्यादा होगी, वेदना तो उतनी होगी जितना राग है। गरीबी अमीरी इसमें कहां आड़े आ गई? जैनियों के लिए क्षमा धर्म है और दूसरों के लिए क्रोध धर्म हो जाएगा क्या? ये गोली जैनी खाएंगे तो फायदा करेगी और दूसरे खाएंगे तो फायदा नहीं करेगी, ये कोई बात होती है? वो तो अपना काम करेगी, वस्तु का स्वभाव निरपेक्ष है भैया। और जैन दर्शन व्यक्ति में व्यक्तिवाद है ही नहीं। तीर्थंकरों ने भी धर्म को बताया है, बनाया नहीं है। बनाया किसने? हमसे पूछ रहे हो कि न हू न करे न धरे को, बनाया किसी ने नहीं, बताया है, बनाया नहीं, किसी ने नहीं बनाया। सच्ची बात है, ये पर्वत की गुफाएं किसने बनाई, ये खाइयां किसने बनाई? अपने आप बनी है, पानी भर जाता है अपने आप। ये गड्ढे किसने बना दिए, ये ऊंचाई किसने बना दी, ये प्लेन किसने कर दिया? कुछ नहीं है, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में हो सकती है। अनाज निर्णय वस्तु में भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा दी है, परिणाम दी। हर समय भेद ज्ञान रखो, ये कहने का मतलब है। केवल मंदिर की वस्तु नहीं है ये, सारे जीवन की वस्तु है। जब सुखी होना हो तब ये विचार करना, जब जगना हो तब ये विचार करना। जगने के संबंध में एक बात कही थी, कोई भी मां भी अपने बेटे को बिना जगाए दूध नहीं पिला सकती, कही थी। और बिना जगे हुए बेटा दूध नहीं पी सकता, कैसे पिएगा? तो तुम बिना जागे जिनवाणी कैसे सुन सकते हो? ये जिनवाणी मां है, मां मां है। लेकिन एक बात बता, जब तक तुम देह से भिन्न अपने आत्मा को नहीं मानोगे तब तक तुम्हारा दुख दूर कैसे कर देंगे भगवान? कैसे करेगी ये जिनवाणी, कैसे करूंगी गुरु? और नहीं तो बताओ, कोई मां तुम्हारी बेटे को बिना जगाए दूध पिला दे और वो सोते सोते में पी जा? सोते में तो
क्या होता है, अब क्या कहें हम, जो नहीं होना चाहिए सो होता है, भ्रम होता है सोते। एक सेठ था, बड़ी एक नशे की आदत पड़ी अफीम खाने की। अब सो एक उसने नौकर रखा, कितना काम, शाम को दूध पिलाने के लिए, बाद बाकी दिन भर का काम सो तो है ही, लेकिन दृष्टांत दूध पिलाने का। अब नौकर ने मान लो एक आने का दूध, एक रुपए का दूध है तो दस पैसे बचा लिए उसने, क्यों रे बेईमानी करता है, निकालो इसको, दूसरा नौकर रखो। उसने बीस पैसे की बेईमानी कर ली, तीसरे नौकर ने तीसरी, और बदलते बदलते अब रह गए दस पैसा का। अब नौकर आया कि हम करेंगे, वो हलवाई की दुकान से मलाई मांग करके ले आया, दवाई के लिए चाहिए, तो नेक लगा दी, दूध फूद कचनी पिलाओ, वो मलाई लगा दी, और सवेरे जो जैसे ही उनने हाथ पीला, अरे तुम्हारा अब मिला है ईमानदार नौकर, देखो अब मिला है ईमानदार नौकर। ये हालत है, सूती में गाफिल पने में मोह में ये होता है, ये मेरा मैं कर रहा हूं, हम करते करते मरे याद हैं, और जे कछु नहीं करते, मेरे ये छाटवाद हैं, मेरा ये वैभव है, अरे तेरा है, तेरा अंश भी तो उसमें नहीं है। वेद ज्ञान करने की चीज नहीं है, वेद ज्ञान 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 माने जो जाने, भेद है भेद को जाने, भेद रूप जाने, उसका नाम भेद ज्ञान। और अध्यात्म में आप प्रवेश कर रहे हैं तो आत्मा के साथ अभेद होकर के उसको भेद रूप जाने। ये चश्मा हमारा नहीं है, क्यों, हमारा तो कमरे में रखा, तब तो हम कहेंगे ये चश्मा हमारा नहीं है, हमारा चश्मा हमारे ज्ञान में होना चाहिए, ये मेरी माँ नहीं है। एक बालक भी कहेगा, क्यों कहेगा, उसके भले माँ संयोग में नहीं है लेकिन माँ का रूप उसके ज्ञान में बसा हुआ है, उसे मिलते ही नहीं सकल, ये नहीं है मेरी माँ, उसके ज्ञान में उसकी माँ बसी हुई है, मेरी माँ तो ऐसी थी, ये नहीं मेरी माँ, ऐसे मेरा रूप तो ये है, ये मेरा रूप नहीं है, ये जड़ रूप। भेद तो है, भेद करना नहीं, करने के लिए गुंजाइश ही नहीं है विश्व में, कर सकता ही नहीं कुछ, और नहीं तो ताकत तुम्हारी अगर है तो अभेद ही करके बता दो, पर वस्तु को अपना करके बता दो, चलो छोड़ो पर वस्तु को, पर वस्तु तो है ही, लेकिन पर वस्तु को अपना करके बताओ ना, फिर क्यों रोते हो, जग में जिसको निज कहता मैं वह छोड़ मुझे, फिर काय को रोते हो, बड़ा बुरा जमाना आया, जिसको अपना मानते हैं वही हमें धोखा देता है। अरे तुम एक बार आत्मा को अपना मानो, एक बार आत्मा को बताने वाली परमेश्वर को अपना मानो, फिर धोखा खाओ तो हमसे कहना, हम खड़े हैं जिम्मेदार। अब गलती तुम्हारी है, तुम जाने वाले को अपना मानते हो, हैं? तुम्हारे दरवाजे के सामने एक गाड़ी रोक दी, उसने कही हमारी गाड़ी, ये कोई बात नहीं, नियत तुम्हारी खराब है, बेईमान तुम हो, मिथ्यादर्शी तुम हो, सो रहे तुम हो, और दोष दूसरे को दे रहे। भेद ज्ञान रखना, सावधान रहना, सावधान हर समय रहना, भयभीत कभी मत रहना, भयभीत कभी मत होना, सावधान हमेशा रहना। और जो सावधान नहीं रहता, भयभीत होने पर भी भय उसके सामने आता है,
आप सावधानी से न चलो और गिर पड़ो तो गड्ढा आया गिर गए, भयभीत होने से क्या होगा, कहूं गिर न जाए कहूं गिर न जाए, अरे गिर न जाए तो देख करके चलो भैया। अगर मृत्यु से तुम्हें डर लगता है तो अपने अनादि अनंत आत्मा को समझो, आपको डरने से कोई काम ही नहीं। और आत्मा को समझेंगे नहीं और मृत्यु से डर लग रहा, कहूं मर न जा मर न जा मर न जा, कितने संकलेश भाव से मरती है, अति संकलेश भाव से मरे घोर स्वब्र सागर में परे, एक श्वास में 18 बार जन्म मर। आप सोचो भयभीत होने का फल है ये। और देखो जिससे जिससे ज्यादा भयभीत रहोगे वही प्रसंग ज्यादा सामने तुम्हारे बनेंगे, इसलिए भी प्रसंग हमारे सामने न बने इसके लिए एक ही उपाय रखो, भयभीत मत रहो, सामना करो। बंदर घुड़की है ये, बंदर घुड़की, वो कौन था जा रहा था और बंदर पीछे पड़ गए, बोले वहां का निवासी बोला खड़े रहो खड़े, तो बंदर भागे। विचारना वेद ज्ञान को भी कठिन मान लिया हमने, कहीं अक्षमात कुछ हो गया, कहीं कुछ ले गया कोई, कहीं कोई घुसाया तो, कहीं बीमार हो गए तो, कहीं मरण हो गया तो, कहीं किसी ने कुछ कह दिया तो, कहीं हमारा अपवाद हो गया तो, अरे जैसे ऐसे सोच रहे हो हैं, जैसे सब काम ये कर्म के उदय के बिना ही होंगे, तुम्हारे उदय के बिना कैसे हो जाएगा। तुमने किसी को झूठा दोष लगाया होगा तो तुम्हारे पास झूठा दोष लग जाएगा, भ्रांति हो जाएगी। सीता जी ने पूर्व भाव में उन्होंने झूठा दोष वर्तमान में लगा तो पूर्व भाव में लगा करके आएगी वो जीव। श्रीपाल को झूठा दोष लगा, भानो का बेटा कहलाया है, तो पहले मुन्नराज को अपवाद किया था कि नहीं, आप विचार करो। कोई भी कार्य अपने कारण बिना नहीं होता, और कारण तुम्हारा तुम्हारे भीतर है और तुम देख रहे हो बाहर। हम कह रहे जय जिनेन्द्र करना चाहिए और तुम कह रहे इन्हें करना चाहिए, हमें नहीं, दूसरे को इन्हें करना चाहिए। हम तुमसे कह रहे हैं तुम्हें जय जयंत करना चाहिए, अगर ये नहीं करें तो भैया जय जयंत, अब इनको शर्म आएगी तो अपने आप करने लगे, नहीं हम नहीं बोलेंगे हम नहीं करेंगे, इनको करना चाहिए, हम क्या कम है किसी से। अरे एक बात बताई थी इसके साथ में, अगर हम किसी से कम नहीं है तो याद रखो हमसे भी कोई कम नहीं है, प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत है, एक दिन भी कम नहीं है, एक क्षण भी कम नहीं है, और प्रत्येक जीव असंख्यात प्रदेशी है, एक भी प्रदेश कम नहीं है, और प्रत्येक जीव अनंत गुणों का समूह है, एक भी गुण कम नहीं है, काय बात में कम है हमसे, तुम हमसे किस बात में ज्यादा हो, हम तुमसे किस बात में ज्यादा हैं, क्यों ये भ्रांति पाल रखी है। भेद ज्ञान करे तो अब कैसा चित्त हो जाए, शीतल चित्त भय हो जो। चंदन का दृष्टांत क्यों है, क्यों चंदन कहा, चंदन स्वयं शीतल और औरन को शीतल करे, ऐसे ये भेद ज्ञानी जीव स्वयं शांत है, भेद ज्ञान की चर्चा के द्वारा जाने कितने भव्य जीवों की शांति में निमित्त है। कथाएं करने वाला अपने परिणाम बिगाड़ रहा है, स्वयं दुखी हो रहा है और सामने वाले को भी दुखी कर रहा है, दुख में निमित्त है। तत्वासूत्र में बताई ये कथाएं
स्वयं के दुख का कारण है और दूसरे के दुख का निमित्त है। वर्तमान में दुख का कारण है और आगामी दुख का निमित्त है। और ज्ञान वर्तमान में भी दुख का कारण, सुख का कारण है और आगामी भी सुख का कारण है। आगे बोलो, स्वयं के लिए भी सुख का कारण है और सबके लिए सुख का कारण। ज्ञान से कोई दुखी नहीं होता, कभी दुखी नहीं। जितने भी दुखी हुए हैं, वर्तमान में दुखी हैं, आगे दुखी होंगे। मोह, एक मोह दुखी करने वाला है। मोह न हो तो कौन दुखी करे? मोह का नाम संसार, भाव संसार, और चार गतियों का नाम द्रव्य संसार। कितना सुंदर वेद ज्ञान कराया, बार बार घोक है, घुटाई कर रहे हैं। शरीर में रोग नहीं है, शरीर में रोग है, तेरे में नहीं है। तू भी मुफ्त में आकुल व्याकुल हो रहा है, मैं क्या करूं? बीमार हूं, हम चार दिन से बीमार हैं। भैया वेद ज्ञान करो, मैं अनादिकाल से स्वस्थ हूं। अनादिकाल से स्वस्थ हूं, अपने में ही स्थित हूं, पर मैं स्थित नहीं हूं। ये बार बार भेद ज्ञान करो। ऐसा भेद ज्ञान भाते भाते सीता जी के बारे मासा में लिखा, जब कृतांत वक्त सेनापति ने सीता को जंगल में उतारा, सिंगाटवी में, सीता से कहा, राम ने यहीं रहने की आज्ञा की है, प्रजाजन अपवाद कर रहे हैं। तो सीता जी राग तो था ही अभी, तो थोड़ी दुखी होने लगी, रोने लगी। फिर पंच परमेश्वर को याद किया, अपने को संबोधन किया, और बहुत सुंदर चर्चा आई है। वह सीता जी वहां बैठ करके अपने पूर्व पापों की आलोचना करने लगी। जब सीता जी अपने पापों की आलोचना करती करती शांत चित्त हुई, तो आलोचना से पुण्य बनता है, और तीव्र भक्ति का परिणाम हो, आलोचना का परिणाम हो, समता का परिणाम हो, तो वर्तमान भूतकाल के पाप का भी संक्रमण करके पुण्य रूप कर। उसी समय में सीता का पुण्य का उदय आया, और जंगल में हाथी पकड़ने के निमित्त से आया था वो बजरंग। उसने आवाज सुनी, कौन स्त्री है देखो तो जाकर के, और ऐसी बढ़िया लाइन लिखी है, अगर तुम्हारा हृदय हो तो हैं कम से कम हर्ष हो जाए। वह सीता के पास ऐसे पहुंचा जैसे बहन के पास भाई आता है। बहन तुम कौन हो, कहाँ हो, ये कैसे अकेली क्यों रह रही, क्या बात है? सीता का परिचय पूछा। वो कोमल हृदय बजजंग आर्जब धर्म का धारी रोने लगा, हाय हाय, और सीता से कहा, बहन चलो घर चलो, जिसको पति ने दोष लगाया तुम घर ले जा रहे हो, तुम्हारी भी निंदा करेंगे, करना देव, हमें परवाह नहीं। इस स्थितिकरण में, बात्सल्यंग के पालने में हमें निंदा की परवाह नहीं है। एक बात बताई थी, ज्ञानी विवेकी समझदार निंदा की परवाह करते नहीं, फिर भी निंदनीय काम करते नहीं, प्रशंसा की चाह करते नहीं तो अभी प्रशंसनीय कार्य करते। कितनी देर लगी जंगल में, आलोचना उसने अपने दोषों की, और उसी समय उसके पुण्य का उदय आया, और आकर के बजरंग बहन बना करके ले गया, और फिर महल की महल में पहुंचा।
भैया अपने दोषों की आलोचना करने से, अपने दोषों की निंदा करने से बहुत पुण्य होता है। पुण्य की बात करें तो प्रतिकूलताओं को भी अनुकूलताओं के समान शांति से सहन कर लेने से अकाम निजरा हो रही है, बहुत पुण्य होता है उसे। और संकलेश करने से पाप बनता है, और न संकलेश हो न विशुद्ध हो, अनन्यगत परिणाम हो, आत्मा का आत्मामय ज्ञानमय, तो धर्म होता है। क्यों दुखी हो रहे हो? दुख का कोई कारण ही नहीं है। तो तुम ये कौन दुख हैं? एक एक हम आपको लौकिक दृष्टांत बताएंगे। आप ये आए और इनसे बात करने लगे तो हम आपसे पूछते हैं, जी तुम्हारे को है? अरे हमारे जिया हैं। अच्छा ठीक, ये कौन है? कोई नहीं है। तो तुम्हारे ये कौन दुख हैं? ज्ञानियों ने, ज्ञानी तुमसे पूछ रहे, ये दुख तुम्हारे को लगते हैं जो तुम अपना आनंद छोड़ करके इन्हें देखने जा रहे हो? ये दुख तुम्हारे कौन लगते हैं? सगे लगते हैं क्या? तुम्हारे परिवार के लगते हैं? घर के लगते हैं? कौन है ये? क्या कोई नहीं? तो फिर कोई नहीं तो तुम्हें क्या मतलब है? बने रहने दे। जिसे मौत है उसको है मुझको क्या, मुझे तो नहीं फिर भय मुझको क्या। मैंने कितनी निसंगता की पंक्तियां हैं, इन्हें पढ़ करके सुन करके निसंगत रहना सीखो, निर्भय रहना सीखो, शांत चित्त रहना सीखो, शांत विचारना